आज के समाचार। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मनाली में कुल्लू जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल टनल के निर्माण से देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में वर्ष भर आवागमन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हों, वहां पर भी सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और एक स्थान पर ज्यादा भीड़ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। अभी हाल ही में जो लोकसभा और राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल कृषि से संबंधित लाया गया और उसका पारण हुआ, उसके संदर्भ में मुझे दो तीन चीज़ों को लेकर के आपके समक्ष अपनी बात कहनी है। भारत गांव में रहने वाला देश है और देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और स्वाभाविक रूप से गांव में रहने वाला अधिकांश व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ है, वो किसान है और बागवान है। और उस दृष्टि से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण, जिसका भी पारण हुआ और इसके बहुत दूरगामी परिणाम भी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले समय में हमको किसानों की आय को दुगना करना है और उस दृष्टि से हम रिफॉर्म्स की तरफ भी बढ़ें और कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर काम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए कुछ कानून में, व्यवस्थाओं में जो भी चीज़ें करने की आवश्यक हैं उन चीज़ों को हम करने की शुरुआत करें। और उसी दृष्टि से अभी जो ये किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का ये जो बिल 2020 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया और उसका पारण हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उसके साथ साथ मैं इस बात को लेकर के भी बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। इससे सबसे बड़ी बात जो किसानों का भला हो और विपणन की जो है बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से और उसके साथ साथ में किसानों को उचित मूल्य मिल सके, जो सबसे बड़ी मुश्किल है। प्रोडक्शन करने के बाद किसान को जो उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो जब नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक रूप से किसान को निराशा होती है, हताशा होती है और उसकी मेहनत जिस रूप में उसने की होती है उस मेहनत का उसको परिणाम नहीं मिल पाता है। एक बात को लेकर के बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो विपक्ष द्वारा जो बहुत शोरगुल किया गया इस बिल के पारण के समय और उसके बाद पारण होने के पश्चात भी जो कहा जा रहा है कि एपीएमसी तथा मार्केटिंग बोर्ड जैसी जो एजेंसियां जो है समाप्त हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सरासर गुमराह करने की एक कोशिश है और ये गलत प्रचार है। किसानों को और इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक प्रयत्न है। एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड जो है वो यथावत जिस रूप में है उस रूप में काम करती रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जो है उसके अंतर जो है वो सरकारी खरीद में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये भी बड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और इसी बात को लेकर के जो विपक्ष के लोग जो है बार बार लोगों के बीच में किसानों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और जो ये बिल है
इस बिल की असली स्पिरिट में जाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा परेशानी का एक कारण रहता तो जो बिचौलिए होते थे, जो किसानों के उत्पाद में से जो है वो मुनाफा कमाते थे, वो भी इससे जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो भी कम होगा, समाप्त होगा। और किसान बिना किसी बाधा के अपने उत्पाद का देश के किसी भी कोने में, किसी भी मार्केट में उसको बेच सकेंगे। ये भी इस बिल के अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ी सुविधा जो है प्रदान की गई है, जिसका मुझे लगता है कि अभिनंदन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब किसान कोई उत्पादन करता है, उसकी मार्केट वैल्यू उसको जहां उचित मिले उसको वहां बेचने का अधिकार होना चाहिए, उसको वहां जाने का अधिकार होना चाहिए। और वो सारी चीज को इस बिल के अंतर्गत जो है व्यवस्थित ढंग से जो है वो लाया गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो इस विधेयक के माध्यम से जो हमारी जो निजी मंडियां हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो का जो है उनको भी स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से एक बेहतर एक प्रयास है, वो भी इस बिल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट है इसमें। और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा किसान जो है कृषि के क्षेत्र में जो निजी निवेश के माध्यम से नई तकनीक अपना सकेंगे। और ये जो बहुत प्राचीन समय से जो चली है एक फसल लगाने का फैसला, दो फसल लगाने का जो किसानों का एक ये होता था, उसमें नए इनिशिएटिव, नई चीजें जो है, नई टेक्निक जो है वो आगे नहीं आ पा रही थी जिस स्तर पर आनी चाहिए थी। इस बिल में वो भी प्रावधान साथ में जोड़े गए हैं ताकि किसान जो है नए इनिशिएटिव के साथ जो है नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने उत्पाद को जो है बढ़ा सके, वो भी इस पे प्रावधान किया गया है। और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सीधे हमारे किसानों के उत्पाद खरीदने वो खरीददारों निवेशकों को किसी प्रकार के मार्केट शुल्क भी नहीं देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट शुल्क भी नहीं देना होगा। इससे प्रतिष्ठित कंपनियां सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होंगी, तो सीधे जो है वो परचेज करने के लिए जो है एक व्यवस्था जो है उसमें और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं इस विधेयक के माध्यम से जो हमारी कोल्ड चेन है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो उसमें व्यवस्था की गई है। और एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है निवेश और ज्यादा बढ़ने की भी संभावना इस बिल के माध्यम से इसमें जोड़ी गई है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और इसके साथ में आगे बढ़ करके मैं ये भी मैं जरूर कहूंगा जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के सामने गलत बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों को यह कह करके कि भ्रमित किया जा रहा है कि जो बड़ी कंपनियां किसानों की भूमि को हथिया लेंगी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है जिस प्रकार का आरोप वो लगा रहे हैं, और उन्हें अपनी ही भूमि पर मजदूर की तरह काम करना होगा। यह आरोप जो है हम सिरे से खारिज करते हैं, ये बहुत ही घटिया और गुमराह करने वाला आरोप कि बड़ी कंपनियां आएंगे और किसानों की जमीन पर कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद वो मालिक बन जाएंगे और उसके बाद जो किसान जो है वो बेचारे जो है वो मजदूरी करते रहेंगे। ये प्रचार इस प्रकार से करना ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जिसकी जमीन है वो उसका मालिक ही रहेगा और मालिक होकर के अपने खेत में बेहतर ढंग से वो अपने काम कर सके, इस दृष्टि से इस बिल को लाने की मंशा है। और इसके अतिरिक्त में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो वास्तविकता जो है वो ये है कि किसानों को जो बिजाई के समय ही जो उत्पाद की जो खरीद मूल्य का आश्वासन मिलेगा और किसान बाजार की मार्केट के अनुरूप अपने उत्पाद की बिजाई कर सकेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। और उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी कंपनियां कृषि उत्पाद को का अपने गोदामों में भंडारण कर उसे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर बेचेंगी, ये भी कतई गलत धारणा लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश है। और
मतलब बड़ी कंपनियां भंडारण करके जो है उसको अपनी मनमाफिक जो है वो कीमत पर बेचेंगे, इस प्रकार का भी कोई इसमें जो है प्रावधान नहीं है। यानी कि और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य नहीं मिलेंगे ये भी प्रचार कर रहे हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रभावित होगी, ऐसी जो बात कही जा रही है। लेकिन सच्चाई इससे हट करके जो है वो ये है कि अभी जो अब जो ये बिल पारित हुआ है, अब इसके माध्यम से अधिक भंडारण किया जा सकेगा, एक बात, जिससे किसान उत्पाद को जब चाहे तब बेच सकता है, जब भी उसको मार्केट में उसकी सही कीमत मिलेगी, उचित मूल्य में मिलेगा पैसा, जब मार्केट में जब उसकी कीमत बढ़ी हुई होगी तो उस दृष्टि से उस वक्त वो बेच सकता है और ज्यादा अपनी आय कमा सकता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर के, मैं उन बातों को लेकर के विस्तार से नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने देश के किसानों के खाते में सीधा फसल ठीक हुई खराब हुई जैसी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाते में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत एक साल में 6,000 रुपये उनके खाते में डालने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। आज तक भारत के आजादी के पश्चात ऐसी व्यवस्था किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोची कि किसान के खाते में सीधा हम उनको मदद करने के लिए, फसल अच्छी हुई तो आपकी, फसल अगर अच्छी नहीं हुई तो भी आपको हम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मदद करने के लिए जो है उस दिशा में हम काम करेंगे और किसान सम्मान निधि की योजना पूरे देश भर में शुरू की। तो ये कुछ पॉइंट्स पर मुझे आज जो है खास तौर से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के लोगों ने बहुत प्रचार किया, बहुत प्रसार किया इस बिल के ऊपर, और दूसरे विपक्षी दलों ने भी करने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में मैं कहूंगा जब बिल किसानों के हित में है, देश के हित में है, और इसमें किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, और जो धारणाएं फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल आधारहीन हैं, और इस बिल के आने से किसानों का सुनिश्चित लाभ होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, जैसा आपने एमएसपी का समर्थन किया है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को कितना बेनिफिट निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में, हम वैसे भी हम एमएसपी में हम दे ही रहे हैं, चाहे वो सेब है, सेब के अतिरिक्त जो हमारी दूसरी प्रजातियां हैं, नींबू है, आम है, उन पर भी हम थोड़ा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पर्टिकुलरली इसमें हिमाचल प्रदेश में और ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, और बहुत सारा एरिया, बहुत सारा जो बागवान किसान जो है वो उसमें इसके अंतर्गत आएंगे, एमएसपी के अंतर्गत आएंगे। और एमएसपी के बारे में जो प्रचार शोर किया जा रहा है उसमें मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, सच्चाई ये है कि एमएसपी जारी रहेगी, यथावत रहेगी। सर, थैंक यू। एनडीए का ही घटक दल है अकाली दल, तो उनसे हरसिमरत कौर बादल जो मंत्री रही हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ऐसी क्या